गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बस सुबह सुबह सब्जी काट रही हूँ। आज मिक्सी वेज बना रही हूँ। आप देखिए क्या मैं काट रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये जो आवाज आ रही है, मैंने दाल चढ़ा दी है। फराज बीन, शिमला मिर्च, गाजर, इसमें अभी मटर, टमाटर। सुबह सुबह चॉपिंग का टाइम नहीं रहता, कभी कभी तो मैं आपको काट लेती हूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड घर पे ही है, इसलिए मैं सब्जी वगैरह आपको काट रही हूँ। जिस दिन ऑफिस जाना रहता है, उस दिन मैं सब्जी रात को ही काट के रख लेती हूँ। तो आज घर पे मैं, तो आराम से खाना बन रहा है, कोई जल्दी नहीं है। हम लोग तीन लोग ही हैं, दाल ज्यादा कोई खाना पसंद नहीं करता, इसलिए छोटे कुकर में ही दाल बना लेती हूँ। मेरा भी पूरा किचन फैला हुआ है। अभी अभी हाउस हेल्पर काम करके गई है, पूरा किचन अभी वैसे ही फैला है। जिस दिन ऑफिस नहीं रहता, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही लेजी हो जाती हूँ, नहीं तो मॉर्निंग से उठ करके जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है। लेकिन आज घर पर है तो आराम से खाना बन रहा है, कोई जल्दी नहीं है। जैसे सुबह हम लोग का नाश्ता हो गया, आज पोहा बनाया था मटर वाला, और चाय तो हो गई है सुबह, चाय और मटर वाला पोहा। मैं नाश्ता हो जाता मॉर्निंग में, तो इतनी जल्दी नहीं रहती खाने की, और नाश्ता मेरे यहाँ तो शाम को ही बनता है ज़्यादातर, या फिर सैटरडे संडे। लेकिन आज बताया ना मैंने कि आज घर पर हैं हस्बैंड, इसलिए कुछ काम है, इसलिए वो आज लीव लिए हुए हैं 2-3 दिन की। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, राई, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज डाल दिए। ये जो मैंने धो के रखी है सब्जी, इसको डाल दूंगी। ज़्यादा प्याज को नहीं भूनूंगी, और थोड़ा सा भून करके किसी से प्याज जल जाएगी, और सब्जी के साथ ही वो प्याज भी भून जाती है, तो पानी अच्छे से निकाल लूँगी। हाँ, करते अच्छे से भून लेंगे, जब तक मैं टमाटर काट के रख देती हूँ। धनिया पत्ती इसको भी धो करके साफ कर देती हूँ। मसाले ऐड करूंगी, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच के करीब धनिया, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। उसको धीमी आंच करके बस पका देंगे। टमाटर भी ऐड कर देती हूँ, और थोड़ा सा नमक। इसको पकने देते धीमी आंच में। इधर मैंने पानी चढ़ा दिया चावल के लिए, आवाज जो सुन रहे हैं उसके बाद सोच रहे होंगे आप लोग की किचन में इतना शोर कैसे होने लगा। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं पानी के लिए क्या यूज करती हूँ। मैं भी ऑफ करती है पानी के लिए, मैं ऐसा एक्वागार्ड यूज करती हूँ। ये मेरा पंप वाला एक्वागार्ड है, 2005 से यूज कर रही हूँ, 2005 से, और अभी तक मेरा ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि टंकी में पानी भरा हुआ उसका यूज़ करें, पता नहीं क्यों अभी अच्छा सा नहीं महसूस होता मेरे को।
इसलिए मैंने अभी यही यूज कर रही हूँ। कैंट वगैरह कुछ नहीं लगवाया है, बिस्लरी वाला पानी अभी हम लोग नहीं पीते हैं, ये नॉर्मल सिर्फ फिल्टर होके आता है ये पानी। क्या करते हैं कि ये जो पंप का डायरेक्ट नल है उससे एक नली लगाते हैं, और जो एक्वागार्ड की ये जो नली गई है वाइट वाली, वो यहाँ से होकर के ये पानी यहाँ से मैं दो गुण भर के पानी रख लेती हूँ, हो जाता है काम इससे खाना वगैरह बनाने का। तो मैं ऐसे ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि फिल्टर का पानी पीने से आप बाहर जाकर के कोई सा भी पानी आप पी लो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक काम चल रहा है, जब तक मेहनत कर पा रही हूँ, कल में जिस दिन नहीं होगा उस दिन फिर कैंट लगवा लेंगे। तो इस तरह में इसका थोड़ा आवाज जरूर आता है, क्योंकि इसमें पंप लगा हुआ है इसलिए आवाज आती है। अभी इधर मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, इसमें घी डालूंगी, दो हरी मिर्च ऐसे बड़े बड़े टुकड़े में काट लिए, हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी प्याज, ताजी ताजी अमरूद ये मेरी कॉलोनी में लगी हुई है, बहुत ही अच्छी अमरूद है। अमरूद को तुरंत पेड़ से तोड़ो और खाओ। रेडी हो गया। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैंने एक वीडियो में शायद बोला था कि मेरी बेटी ने कुछ सेन इंडिया से ऑर्डर किया और अभी तक नहीं आया, वो जस्ट अभी आ गया है। ये मैंने 16 दिसंबर को सेन इंडिया में ऑर्डर किया था और ये मुझे आज रिसीव हुआ है। ये वन पीस है, सीन इंडिया मशीन का है, लेकिन इसकी सर्विस इस बार नहीं। मैं वैसे भी सीन इंडिया से पहले भी एक टॉप मंगाया था अपने लिए, तो वो तो ठीक टाइम पे आ गया था, बट इसका तो बहुत लेट हुआ है। 16 दिसंबर से आज 9th जनवरी, तो मैंने कई बार कॉल भी किया तो उन्होंने ही बोला कि स्टॉक में नहीं है इसलिए शायद नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपका आएगा या फिर पैसे रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन आ गया क्योंकि उसको बहुत पसंद था। तो ये एल साइज है, ये देखिए कुछ इस तरह वन पीस है कि स्लीव फुल है, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ भी जा करके चेक कर सकते हैं। वैसे सीन इंडिया के कपड़े तो बहुत अच्छे रहते हैं, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। यही था आज का ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, उसको टाइम देती हूँ, वीडियो बनाना फिर एडिटिंग करना टाइम तो लगता है, बट ठीक है मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मुझे पसंद है इसलिए मैं ये काम करती हूँ।
तो बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए. ओके, बाय बाय.